तो जी जनाब शाम का टाइम हो गया है और मैं इनके लिए लेके आई हूँ ग्रीनरी। तो जिसके इंतज़ार में जो है ना, ये इधर देखें मेरे पास इकट्ठी होकर खड़ी हैं सारी मुर्गियाँ। तो चलें जी इनका इंतज़ार करते हैं ख़त्म और इनको डालते हैं ग्रीनरी। चलो खाओ। और दूसरी साइड पे हमारे कबूतर जो हैं वो भी ग्रीनरी के खाने के इंतज़ार में हैं, लेकिन मुर्गियाँ जो है ना वो इनको खाने नहीं देती। ये देखें माशाल्लाह से हमारे जो लकी है ना पुराने वाले, यानी जिनके पहले अंडे ख़राब हो गए थे, अब माशाल्लाह से वो भी जो है ना अंडों की तैयारी में है और इंशाल्लाह ताला जल्द ही ये जो है ना अंडे दे देंगे। ये देखें ये माशाल्लाह देखें ग्रीनरी खा रही हैं। मुर्गियां पालने का घर में ये बहुत फ़ायदा होता है कि हमारी जो है ना सब्ज़ी के कोई भी छिलके जो है ना वो ज़ाया नहीं होते। तो हम लोग जो है ना आराम से अपनी मुर्गियों को जो है डाल देते हैं, अगर कोई सख्त हैं तो उनको ब्रीक करके, और अगर नरम है तो वो फिर ऐसे ही खा लेती हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारे छोटे चूज़े जो हैं, ये देखें वो भी फुल तकरीबन जो है ना मुर्गे मुर्गियाँ बन गए हैं। ये देखें ये वाला मुर्गा है, और इनमें से माशाल्लाह से जो एक हमारी उल्टे बालों वाली है वो भी अंडा देती है, और दूसरी जो है ना हमारी वो भी अंडा देने लग गई है, छोटी मुर्गियाँ। ये देखें माशाल्लाह से, और ये हमारे कबूतर हैं। अब शाम का टाइम हो गया है तो मैं छत पर आई हूँ, और ये देखें जनाब सूरज जो है ना माशाल्लाह से काफ़ी निकला हुआ है अच्छे तरीके से, और आज धूप भी काफ़ी सख्त लगी हुई थी, तो अब माशाल्लाह से जो है ना दिन सही हो गया। सुबह तो ऐसे लग रहा था जैसे बारिश आएगी, बादल वगैरह हुए थे। ये देखें तो अब मैं ऐसे करूँगी, कबूतरों को तो मैं ना पक्का बंद करके जाऊँगी, और मुर्गियाँ जो है ना इनको भी देखते हैं बंद कर जाएंगे, क्योंकि सुबह से ये घूम रही हैं, तो अब ये ग्रीनरी खाएँगी तो फिर हम इनको जो है ना बंद कर देंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आपने इसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप सपोर्ट करेंगे तो फिर ही जो है ना डेली की डेली वीडियो आया करेगी। लेकिन जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो फिर जो है ना दिल नहीं करता दोबारा वीडियो बनाने का। ये देखें माशाल्लाह से हमारे जो हैं सेटअप पर न्यू बर्ड्स भी आ गए हैं, हमारा तीतर आ गया है, और जल्द ही हम जो है ना लव बर्ड भी लेके आएंगे। ये देखें पता किया था तो वो भाई कह रहे थे कि हमारे पास जो है ना लव बर्ड का जोड़ा नहीं है, एक है हमारे पास, तो फिर एक का तो कोई फ़ायदा नहीं था ना, तीतर भी हमारा एक ही है, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द ही उसके साथ जो है ना उसका पार्टनर आ जाएगा। तो अब माशाल्लाह से हमारे पास जो है ना इतने बर्ड जब आ जाएंगे तो फिर हम ना फैंसी जो मुर्गियाँ हैं ना उनके भी चिकन्स ले कर आएँगे और फिर ख़ुद उनको पालेंगे। तो अब हम देखते हैं कबूतरों के छोटे बच्चे। तो इस तरह से माशाल्लाह से हमारे पास जो है ना काफ़ी बर्ड्स जो हैं हो गए हैं, लेकिन अब मेरा मूड है कि अब हम जो है ना फैंसी चिकन जो है ना वही अब लेके आएंगे मज़ीद। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें माशाल्लाह से हमारे जो हैं कबूतर, उनके बच्चे जो हैं काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये देखें नूर अब स्कूल से आई है तो उसने निकाल के जो है ना बाहर ही रख दिए हैं डरबे में से। ये देखें अभी इतने ज़्यादा बड़े तो नहीं हुए, लेकिन माशाल्लाह वैसे हो गए हैं, जैसे कलर वगैरह भी आ गए हैं और चूज़े भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा जी इनके कबूतरों के बच्चे देखने का, तो माशाल्लाह से मैं तो डेली इनको देख के भी जाती हूँ, साथ जो है ना अपनी वीडियो में आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि आप भी देख लें कि हमारे कबूतरों के बच्चे जो है ना वो कितने बड़े हो गए। ये देखें इनकी लड़ाई हो रही है, ये देखें ये देखें माशाल्लाह से हमारी लकी कबूतरी जो है वो अंडों पे बैठी हुई है, तो इस बेचारी का ना एक अंडा चोरी हो गया था, उसका बहुत अफसोस है, लेकिन फिर भी मैंने ना इसके साथ मुर्गी का जो है ना अंडा एक रख दिया है, तो इंशाल्लाह तरह हमारा मुर्गी का चूज़ा भी आ जाएगा और इंशाल्लाह इनका जो है ना लकी कबूतर हमारे जो है उनका भी एक चूज़ा आ जाएगा। ये देखें जी हमारी गोल्डन मुर्गी जो है वो अंडा देने के लिए बैठी हुई है, तो अब हमें जो है ना इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये अंडा देगी तो फिर हम लेके इसका अंडा उठाएंगे और इसको फिर करेंगे हम बंद और फिर जाएंगे नीचे।